हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है थर्सडे और अभी बज रहे हैं 11:30। और मैं अभी पूजा करके, मेरा घर का सारा काम फिनिश हो गया और पूजा करने के लिए, थर्सडे है तो मेरा फास्ट है, तो पी रही हूँ चाय। आप सोचोगे 11 बजे चाय, मतलब सुबह की चाय एक बार पी ली है, अभी मेरी दूसरी चाय है। और उपवास है तो मैं 2 टाइम चाय पी लेती हूँ, 2 या 3 टाइम। और मेरा फेस आपको बहुत डल अजीब सा लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी फेस, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, स्किन थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो मैंने फेस पे मतलब जुजुबा ऑयल लगाया है। मैंने पर्पल से मंगवाया था, काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट भी। तो ये ऑयल है, ये अच्छे से मतलब स्किन में, अभी मैंने लगा के रखा है, कहीं जाना तो है नहीं, तो अच्छे से स्किन में ये अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, स्किन ऑब्जर्व कर लेगी। उसके बाद से मैं एक बार फेस वॉश कर लूँगी और फिर जो कुछ भी लगाना है या फिर ऐसे ही सो जाऊँगी फेस पे लगा के। तो अभी थोड़ी स्किन ऑयली ऑयली और अजीब सी दिख रही है, बट ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आप पोर्स भी देख सकते हो। अभी मैं 3-4 दिन से लगा रही हूँ तो मुझे कुछ फ़र्क दिख रहा है। ये सब है ना, ये सब मुझे छोटे छोटे दाने या पिम्पल्स जैसा कुछ हो रहा था, उसकी वजह से मैंने ये मंगवाया है। अभी ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो अभी स्किन को एकदम नेचुरल रखा है, कुछ नहीं है। नहाने के बाद तुरंत मैंने अप्लाई कर लिया था। तो चलिए मिलते हैं। और हाँ, मुझे आज आपसे साथ क्या शेयर करना है, कल जो हम लोग मम्मी की फ्रेंड के घर पे गए थे तो वहाँ पे हम लोग स्टूडियो गए थे, तो हम लोगों ने स्टूडियो और बेस्ट साइड से क्या शॉपिंग की वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं कुछ भी की थी क्योंकि शॉपिंग ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। शॉपिंग में मतलब बच्चों के कपड़े लेने थे वो ले लिए, सिर्फ एक ही चूड़ी लिए क्योंकि स्टूडियो में ज़्यादा कलेक्शन आया नहीं था, वो भी टी शर्ट जीन्स स्टूडियो से लिया और टी शर्ट वेस्ट साइड से ली, ऐसा ही है हमने। तो अभी बच्चों के कपड़े बाद में देखूँगी, अगर मुझे कभी टाइम मिला तो लेने जाऊँगी, नहीं तो चलेगा बहुत सारे कपड़े। तो वैसे भी अभी समर शॉपिंग करनी है क्योंकि अभी स्कूल गर्मी आएगी, तो गर्मी में फिर वो लोग एकदम नॉर्मल से कपड़े पहनेंगे, मतलब कॉटन के फ्रॉक वगैरह वही सब लेने जाना है, तो मैं बाद में जाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और हाँ, दूसरी चीज़, मैंने स्टूडियो से मेकअप का सामान परचेस किया है और ये परचेस मेरी सेकेंड परचेस है, फर्स्ट नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को ऐसे मतलब फेक वीडियो नहीं बनाती हूँ कि आज ही ले लिया, आज ही खरीद दिया और डाल दिया कि हाँ भाई बहुत अच्छा ये वो है। एक्चुअली मैं सारा मेकअप का सामान नायका से ही मंगवाती हूँ हमेशा, नायका पर्पल या अमेजोन से। तो इस बार एक्चुअली लिपस्टिक वगैरह काफ़ी मतलब 500, 800, 1200, 1500 की होती है एक एक आइटम। तो इस बार स्टूडियो में देखा तो मैंने हस्बैंड ने बोला एक बार ट्राई तो करो, देखो कैसा है क्या नहीं, अच्छा होगा तो रखना, नहीं तो किसी को दे देना, तो क्या नहीं तो फेंक ही देना अगर तुम्हें सूट ना करे। तो स्टूडियो से मैंने कुछ परचेज किया था, वो भी 100 रुपीज़ के, 100 रुपये की काजल, 100 रुपये की लिपस्टिक, 100 रुपये का फेस मास्क, बहुत अजीब सा लग रहा था बट मैंने ले लिया, चलो देखते हैं क्या होता है। बट गाइस, लिटरली मैंने ट्राई किया और वही सेम प्रोडक्ट मैंने रखा हुए थे वो ख़त्म होने के बाद भी, उसका नाम मैं फ़ोटो खींच के लेके गई थी और वही सेम प्रोडक्ट मैं लेके आई, तो वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। वो सारे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, इवन लिपस्टिक सुबह से शाम तक वैसे की वैसे, आप कितना भी खाओ पियो कुछ भी करो, और ऐसा भी नहीं कि लिप्स पर पैचेस आ जाते हैं, कुछ भी नहीं, अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक 100 रुपये स्टूडियो की। और नेल पॉलिश भी, ये नेल पॉलिश को लगाया मुझे शायद मुझे हफ्ता हो गया, नेल पॉलिश लिपस्टिक और ये सब सामान मैं लेके आई थी, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अगेन दोबारा से वही प्रोडक्ट लाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बहुत हो गई चप्पड़ चप्पड़, चले दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा स्टूडियो का प्रोडक्ट, मैंने इतने सामान लिया है स्टूडियो से और थोड़ा नॉइज़ पॉल्यूशन को अवॉइड करेगा क्योंकि मैं बालकनी में ही मतलब वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ी सी व्हीकल वगैरह की आवाज़ आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ये, तो ये है आईलाइनर स्टूडियो का, आप देख सकते हो, और स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और ये है 99 का। और ये मैंने लगा के भी, यूज़ करके भी देख लिया है, पैकेजिंग मैंने खोल दिया है, काफ़ी अच्छा है ये वाला। एक ये हो गया, और मैंने 2 लाइनर, मुझे ब्लैक लाइनर चाहिए था एक्चुअली, नहीं मिला था, तो ये ब्लू है और ये है ब्राउनिश कलर में लाइनर, तो ये भी मैंने यूज़ कर लिया था, मैं शादी में गई थी तो मैंने लगाया था। ये दोनों लाइनर मैंने लिए हैं स्टूडियो से। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये काजल, ये काजल भी मतलब मैंने यूज़ किया और मैं शॉक्ड हो गई, इतना अच्छा क्वालिटी इसकी, मतलब
ये तो 69 का ही ओनली आप देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा था ये पूरा दिन, मतलब स्टे किया था इसने मेरी आइज़ पे। तो ये है काजल, ये 3 पीस हो गए। और ये है स्टूडियो का नेल रिमूवर जो कि सिर्फ 59 या 69 कुछ है, इसमें रेट लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है। और ये बेबी पिन के मतलब सेट है 2 का, तो ये मेरे बच्चों ने यूज़ भी कर लिया, देख सकते स्कूल लगा के गए थे, तो 2 थे पिन, मैंने 2 रुपये के लगाया था, ये भी 69 का था। और इस तरीके की कुछ ये रबर बैंड में लेके आई थी, तो ये है 79 में, आप देख सकते हो कितना अच्छा कितना प्यारा है ये वाला भी, काफ़ी कम रेट में। और ये भी 2 का सेट था, ये भी 79 का था, मैंने यूज़ कर लिया है इसे भी, आप देख सकते हो। ये हो गया, और ये मैं पिन लाई थी मेरे डॉटर्स के लिए, तो ये मुझे पड़ी थी 79 में। इसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हो, ये बहुत अच्छी क्वालिटी में है, काफ़ी वजन है इसका। और अनदर ये वाला फेस पैक हम लोग 5 लाए थे, तो हम हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो ये एक बचा है मेरे पास, ये मुझे पड़ा था 49 में ओनली, आप देख सकते हो 50 रुपये में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छा था ये वाला एवोकाडो वाला, यही वाला हमने यूज़ किया है। और अनदर है ये वाला एक बेबी ब्रश, मेरे बच्चों के लिए मैंने फोन लिया था, ये मतलब क्या बोलते हैं स्टिकर लगा हुआ था उसका है, तो ये कॉम मुझे स्टार वाला, ये सिंड्रेला नहीं डियाना वाला है जो टी वी में वो लोग बच्चे देखते हैं डियाना शो, उसमें वो ऐसा ही कॉम यूज़ करती थी, मेरी बेटी को ऐसा चाहिए था, तो ये मैं लेके, ये मुझे 99 में पड़ा था। और अनदर ये लिपस्टिक है, 3 लिपस्टिक है, तो ये लिपस्टिक है स्टूडियो की, ये 3 मैंने यूज़ कर ली है, और काफ़ी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अच्छी है, आप जरूर से ज़रूर बाई करें। आप ये वाला अगर आपको शेड चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से ये वाला वहाँ पे फाइंड कर सकते हो, स्कारलेट R01, ये पूरा डार्क रेड जो होता है ना, ब्लड रेड वैसा कलर है। और ये है न्यूड, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल कलर है न्यूड में, तो ये भी है बैरबी N01, ये वाला भी आप स्क्रीन शॉट लेके, अगर आपको सेम चाहिए शेड मैं आपको हाथ पे भी करके दिखा दूंगी, तो ये शेड आपको पता चलेगा। और मैं एक्चुअली इस टाइप की लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, पर ये मैं मम्मी के लिए लाई थी, ये लाइट कलर है आप देख सकते हो, पिंक भी नहीं है न्यूड भी नहीं है, अलग ही ये लाइट कलर है, तो मम्मी ऐसे लिपस्टिक यूज़ करते हैं और मैं तो लिक्विड वाले ही यूज़ करती हूँ, तो ये वाला मैं लेके आई थी मम्मी के लिए। और ये सारे लिपस्टिक भी मुझे पड़े हैं, ये शायद थे 149 के, मतलब ये 150-150 के थे। और ये वाला पड़ा था 99 में ब्लश न्यूड, हाँ ये शायद 99 का ही था। और वही दोनों जो मैंने लिए स्टूडियो का, उसमें ये है डार्क पिंक शेड, तो ये शेड भी काफ़ी अच्छा है, डार्क पिंक लिपस्टिक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और नेक्स्ट है ये वाले नेल पॉलिश, तो ये अराउंड 1 पड़ा था 69 में, तो मैंने ये 3 लिए थे और 2 मम्मी के लिए लिए, तो पिंक और रेड कलर था, तो मम्मी को मैंने ऑलरेडी दे दिया है, लिपस्टिक देना बाकी है। और ये था बॉडी लोशन, आप देख सकते हो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये भी 99 में, बहुत मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बॉडी लोशन था स्टूडियो का। और ये है बॉडी वॉश, ये भी मैं रेगुलरली आजकल यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो लेट्स मैं आपको लिपस्टिक दिखाती हूँ कि इसका रियल कलर कैसा है, क्या है, हाथ पे लगा के आपको बताती हूँ मैं। तो ये है, ये 3 लिपस्टिक का 3 शेड आप देख सकते हो, कलर कितना अच्छा है। तो ये है मेरा स्टूडियो का परचेस, मैंने इतना सामान स्टूडियो से लिया था और बच्चे के कपड़े लिए थे, और ये लिए हैं बच्चों के कपड़े। तो स्टूडियो में काफ़ी अच्छा मतलब कलेक्शन नहीं था इस टाइम पे, तो बच्चों की टी शर्ट नहीं मिली, तो मैंने ये वाले टी शर्ट ली है वेस्ट साइड से बच्चों के लिए, और ये वाले जीन्स लिए हैं स्टूडियो से। तो एक समन स्टूडियो का हो गया और एक हो गया मैक्स का, तो बस ये एक जोड़ी कपड़े लिए थे बच्चों के, और बस आज की मेरी ये शॉपिंग फिनिश, इतनी शॉपिंग करी है मैंने। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल से आके मस्ती कर रहे हैं, देखो अपना नाश्ता वास्ता लेके ही बैठे हैं, थोड़ी देर बाद इनको खाना खिलाऊंगी, और स्कूल से आते ही इनका चालू हो गया टीवी देखना।
और यहाँ मैं अपने लिए गाजर को बॉईल कर रही हूँ। फटाफट से बनाऊँगी हलवा और दोपहर में यही खाऊँगी मैं क्विक एंड फास्ट।